जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेल के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल अभी नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि फ्रेंड हम आप लोगों के लिए फार्मा रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। फ्रेंड, तो फ्रेंड अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल का जो है एक ऑर्गेनेल है। पहला पॉइंट है, दी माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फोलिकर इन 1850 एज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इन दी स्ट्रिएटेड मसल। मीन्स इसको जो है सबसे पहले जो ऑब्जर्व किए थे वो हैं फोलिकर, इन्होंने इसको 1850 में जो है ऑब्जर्व किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको सेल का जो है पावर हाउस कहा जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है, इसका जो लेंथ होती है ये होती है 5-12 माइक्रोमीटर एंड इसकी जो डायमीटर होता है वो होता है 0.521 माइक्रोमीटर। अब फ्रेंड, इसका हम जो है कि नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये है, फिलामेंटस आर ग्लोबुलर इन शेप। मीन्स ये तो ये जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है या तो फिलामेंटस होती है या जो है ग्लोबुलर शेप जो है होती है। आप फ्रेंड आप फिगर देख सकते हैं, इसमें लिखा भी गया है इनर शेप एंड इधर आउटर मेम्ब्रेन है एंड इधर जो है सीटी है, क्रिस्टी है एंड इसके बाद जो है ये मैट्रिक्स जो है फिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। इसमें जो है तीन टाइप होता है, पहला है आउटर मेम्ब्रेन एंड इसका होता है इनर मेम्ब्रेन एंड इससे जो दोनों बीच में होता है इंटरमीडिएट स्पेस, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। मीन ये जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होता है वो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। अब फ्रेंड, फोर नंबर है क्रिस्टी। यह है इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। मीन ये जो है क्या इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है मुलस रहता है, इनफोल्डिंग रहती है। इसके बाद है मैट्रिक्स, दी स्पेस इनक्लोज बाई इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन में जो होता है स्पेस होता है उसमें जो होता है फिल होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दी मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। मीन जो मेम्ब्रेन होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की जो है बनी होती है। फ्रेंड, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल। मीन्स ये जो है हमारे सेल की जो है पावर जनरेटिंग यूनिट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन दी वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। मीन्स ये जो है हमारे सेल में जो है इसका इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, मेंटेन करता है कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन के और वेरियस कंपार्टमेंट में सेल के। इसके बाद हमारा फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है, एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रॉट रिस्पायरेशन। मीन्स ये जो है एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है रिस्पायरेशन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस। मीन्स ये जो है थर्मोजेनेसिस में जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। अब फ्रेंड, हमारा सेकंड ऑर्गेनेल है, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड प्लेट वेसिकुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। ये जो है फ्रेंड एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में जो है पाया जाता है। इसके बाद है, एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड फ्लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक कॉल्ड सिस्ट्रेनी। इसके बाद है, स्पेस इनसाइड द ट्यूबुल्स इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मीन्स जो स्पेस रहता है इसके अंदर ट्यूबुल्स में उसमें जो फिल होता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब फ्रेंड, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, ये जो है टू टाइप होते हैं। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्मूथ में है, इसमें पहला पॉइंट है राइबोसोम एब्सेंट एंड रफ वॉल्यूम जो है इसमें कंटेंस राइबोसोम। मीन्स इसमें नहीं पाया जाता और इसमें रफ वॉल्यूम जो है पाया जाता है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट है स्मूथ में, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड इसमें है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड इसमें है स्मूथ वाले में मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फार्मिंग सेल्स सच एज
एडिपोसाइट्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लीवर, एडनल कार्टेक्स सेल्स, मसल सेल्स, लिकोसाइट ईटीसी। एंड इसमें जो है रफ फॉर्म जो है इसमें है मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स सच एज पैनक्रियाटिक एसाइनर सेल्स, गोबलेट सेल्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, निस्ल ग्रेनुल्स ऑफ नर्व सेल ईटीसी। अब फ्रेंड हम इसके इंडोपाइन रेटिकुलम के जो है फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मीन्स ये जो है प्रोटीन का जो है सिंथेसिस करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन सिग्रेशन, एंड इसके बाद है अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, एंड लास्ट है मसल कंसंट्रेशन ER मीन्स इंडोपाइन रेटिकुलम इज कॉमनली नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल फाइबर। अब फ्रेंड हम लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव ब्रैकेट में लाइटिक सिस्टम और द सेल बिकॉज एंजाइम प्रेजेंट इन इट कैन डाइजेस्ट एसेंशियली ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो है इसको जो है ये डाइजेस्ट कर देता है प्रेजेंट किसी मतलब एंजाइम को जो है ये डाइजेस्ट कर देता है और एसेंशियल ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद है इनगल्फ वार्म आउट कंपोनेंट ऑफ दिस सेल इन विच दे आर लोकेटेड, मींस ये जो है सभी जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या करता है इनगल्फ कर लेता है। इसके बाद है इनगल्फ एग्जोजिनस सब्सटेंसेस एग्जांपल बैक्टीरिया एंड डिग्रेड डेम, मींस जो बैक्टीरिया होते हैं और जो हमारी सेल होती हैं उसको क्या करता है ये इनगल्फ कर देता है। इसके बाद है व्हेन आर सेल डाइज लाइसोसोमल एंजाइम काजेज आइटोलिसिस ऑफ द रिमानेंट दैट वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, मीन्स को जो क्या कहते हैं इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। फ्रेंड फ्रेंड अब हम न्यूक्लियस बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है दी न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन कोमा आर एन ए कोमा एंड न्यूक्लियर प्रोटीन मूव फ्रीली इन एक्वस सोल्यूशन, मीन्स न्यूक्लियस जो होता है ये कंटेन करता है क्रोमेटिन को और आरएनए को, एंड न्यूक्लियर प्रोटीन मूव फ्रीली जो है एक्वस सोल्यूशन मीन्स साइटोप्लाज्म जो है सब जो है मूव करते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट न्यूक्लियस हैज एन इंटरनल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द जेनेटिक मटेरियल एंड लोकलाइज न्यूक्लियर फंक्शन, मीन्स ये क्या करता है ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज करता है और लोकलाइज करता है न्यूक्लियर फंक्शन को। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ए लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियर लेमिन एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर लेमिना इनटू द इंटीरियर द न्यूक्लियर, मींस ये जो होता है न्यूक्लियस होता है ये एक लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स होता है लेयर होती है, एंड इसका जो है ये लेमिना इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियर में अंदर जो है पाई जाती है। तो फ्रेंड अब हम इसके जो है कि सभी ऑर्गेनल्स जो है समरी बार बना लेते हैं। एक तरफ है कंपार्टमेंट एंड सेकंड तरफ है मेजर फंक्शन। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो है सेल जो है सेल मेम्ब्रेन जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है आयन का और मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर आने में और सेल के जो है बाहर जाने में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइटोसोल, यह है मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड अमीनो एसिड, एंड इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये का इसका काम क्या है इसका वर्क है एनर्जी प्रोडक्शन, ये जो है एनर्जी प्रोडक्शन करती है। इसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये जो है प्रोटीन और लिपिड जो है सिंथेसिस करती है। इसके बाद है गोल्गी ऑपरेटर्स, इसका काम है मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, जो है काम किसका है ये है गोल्गी ऑपरेटर्स का। इसके बाद है लाइसोसोम, इसका काम है सेलुलर डाइजेशन, इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं आत्मघाती थैली भी कहते हैं मीन सुसाइडल बैग। इसके बाद है पराक्सीसोम्स, ये जो है यूटिलाइजेशन ऑफ H2O2, एंड इसके बाद है साइटोस्केलेटन, ये जो है
सेल मार्फोलॉजी एंड सेल मोटिलिटी जो है फंक्शन है इसका। इसके बाद है न्यूक्लियस, ये जो क्या करता है, ये करता है डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर, मीन डीएनए का सिंथेसिस करता है और क्या करता है डीएनए की रिपेयरिंग भी करता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।